पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। আপনি মারলেন কেন? कहने को तो कहावत है, लेकिन रिपब्लिक वालों का सच है कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। रिपब्लिक वालों की जर्नलिज्म का ध्येय वाक्य ही ये है कि रिपोर्टर हमारा गुंडा है, हाथ में उसके माइक नहीं बल्कि माइक जैसा डंडा है। और अपनी इसी गलीचपन को पत्रकारिता साबित करने की जो कोशिश अर्नब एंड कंपनी करती है, उसका खामियाजा भले सीधे रूप से अर्नब को ना भुगतना पड़े, लेकिन उसके रिपोर्टर लंठाई वाली पत्रकारिता का बीड़ा उठाने के चक्कर में कभी घसीट दिए जाते हैं तो कभी लपेट लिए जाते हैं। लेकिन इस बार का मामला जरा अलग है। इस बार अर्नब के रिपोर्टर की मरम्मत करने वाला एक पार्टी नेता बताया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। तो मामला ये है कि बंगाल में टीएमसी नेताओं पर छापेमारी के दौर में रिपब्लिक टीवी वर्सेस टीएमसी समर्थक हो चुका है। ईडी टीएमसी नेताओं की चौखट पर दस्तक दे रही है, तो पीछे पीछे पहुंच रहे रिपब्लिक टीवी वालों को टीएमसी समर्थकों का सामना करना पड़ रहा है। तो बात यह है कि टीएमसी नेता रथिन घोष के घर जब ईडी ने छापेमारी की, तो रिपब्लिक के रिपोर्टर रथिन के घर के बाहर पहुंचकर कथित तौर पर रिपब्लिक ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म का नजारा पेश करने लगे। और ऐसे में एक टीएमसी समर्थक ने रिपब्लिक के रिपोर्टर को पकड़कर मुलाकात करने की जगह मुक्का लात कर दिया। ये समर्थक बाकायदा कई मीडिया रिपोर्ट्स में टीएमसी पार्षद भी बताया जा रहा है, लेकिन खुद रिपब्लिक वाले इसे एक टीएमसी समर्थक बता रहे हैं। और जिनके गाल लाल हुए हैं उन्हें तो एहसास हुआ ही होगा कि हाथ आखिर था किसका। सो हम भी रिपब्लिक के रिपोर्टर के साथ मारपीट करने वाले को टीएमसी समर्थक ही कहकर संबोधित कर रहे हैं। हालांकि खबर यह नहीं है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है, बल्कि खबर यह है कि रिपब्लिक वाले अपने लक्षणों से बाज नहीं आ रहे हैं। यह हरकत सिर्फ आवेश में आकर किसी पार्टी के नेता या समर्थक की तरफ से की गई घटना से कहीं ज्यादा रिपब्लिक की गुंडागर्दी और मुंह में माइक ठूसो पत्रकारिता से प्रेरित है, और उसी का परिणाम भी हो सकता है। चूंकि अभी पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आया है कि आखिर रिपब्लिक के रिपोर्टर को पीटने की नौबत आई ही क्यों, मगर इस पूरी घटना का प्रचार न्यूज क्लिक वर्सेस रिपब्लिक के तौर पर करके पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश पूरी हो रही है। पहले आप वीडियो देखिए कि आखिर बंगाल में रिपब्लिक के रिपोर्टर के साथ हुआ क्या। अब आइए चर्चा इस मारपीट के ऊपर शुरू ही सियासत की भी कर लेते हैं। अभी सही से 48 घंटे भी इस बात के नहीं बीते हैं कि जब न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर पर दबिश देकर ईडी ने कई पत्रकारों को उठाकर ईडी ऑफिस में पूछताछ की थी। इस पर बीजेपी सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत हुई थी, और अब जब रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर से मारपीट की गई है तो बीजेपी से बंगाल में ममता सरकार की प्रेस की आजादी कुचलने की साजिश बता रही है भाई, और ममता बनर्जी से माफी की मांग कर रही है। न्यूज क्लिक पर होठों को सिलकर बैठी भाजपा तुरंत ही रिपब्लिक के मामले पर फाइटिंग मोड में आ गई, और बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने तुरंत ही इसे प्रेस पर आक्रमण बता दिया। रिपब्लिक भी बीजेपी के शह पर इस मामले को जबरदस्त तूल दे रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस चैनल ने किसी मरे हुए की आत्मा तक नोच खाई हो, उससे भला क्या हमदर्दी हम रख सकते हैं। ये बात जरूर कहेंगे कि मीडिया पर हमला कहीं भी हो और कोई भी करे, इसकी निंदा ही की जाएगी, लेकिन रिपब्लिक वालों को मिर्गी की बीमारी ही कुछ ऐसी लगी है कि जिसे जब तक जूता सुंघाओ नहीं तब तक ये होश में आते नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में रात के अंधेरे में जो रिपब्लिक वालों के साथ हुआ है, उस पर आपकी क्या है राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।